उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना कपूरपुर क्षेत्र के अंतर्गत मंगलवार की रात करीब 9:15 पर 22 साल बदमाशों ने बैंक के रिटेलर से 9.50 लाख रुपए से भरा थैला लूट लिया, फरार हो गए। जानकारी मिलने पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण कर लुटेरों की धरपकड़ के लिए 6 टीमों का गठन कर मामले की कार्रवाई शुरू कर दी। एएसएसपी मुकेश मिश्र ने बताया, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 6 टीमों गठित की है। दरअसल मंगलवार की रात करीब 9:15 पर फिनो पेमेंट बैंक के रिटेलर इकबाल मेहदी जैसे हैं बुलंदशहर बॉर्डर पर पहुंचा तो दो बाइक को पर सवार होकर आए अज्ञात बदमाशों ने रिटेलर के हाथ पर डंडा मारकर बाइक से गिरा दिया और नोटों से भरा बैग छीनने के बाद बदमाश मौके से भाग खड़े हुए। जानकारी मिलने पर उच्च अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और तहरीर के आधार पर जांच शुरू की। पुलिस 6 टीमों का गठन कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। हापुड़ से करण चौहान की रिपोर्ट। 2022 को समय लगभग रात्रि 9:15 थाना कपूरपुर क्षेत्र अंतर्गत बुलंदशहर बॉर्डर पर एक रिटेलर जो फिनो पेमेंट बैंक के रिटेलर हैं इकबाल मेहंदी, उनका एक बैग था जिसमें वादी के द्वारा बताया गया 9.5 लाख रुपए थे। दो बाइक सवार कुछ अज्ञात बदमाशों ने उनको डंडा मार के गिरा दिया और उनका बैग लूट लिया। इस घटना का संज्ञान में लेते हुए तत्काल ही समस्त अधिकारियों ने मौका मुआयना किया और वादी से तहरीर लेकर मुकदमा लिखा जा रहा है। 6 टीमों का गठन किया गया है। घटना का शीघ्र अनावरण करके और 100% बरामदगी की जाएगी और सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी।